ये आखिर कैसी लगन है, कैसा ईमान है, कैसा यकीन है। जिसने अल्लाह की जात पर भरोसा किया तो अल्लाह उसके लिए काफी है। इस आयत पर ईमान है हमारा। अल्लाह जो ना होने देना चाहे वो कोई नहीं कर सकता। तुम जब जुल्म करते हो मजलूमों पर नहीं करते बल्कि अल-क़हार अल्लाह ताला से जंग शुरू करते हो। तुम इस जंग का मकसद तक नहीं जानते, तुम्हारी जंग किसके खिलाफ है ये भी नहीं जानते। तुम सिर्फ मुसलमानों से जंग करके दरवाजे खोल रहे हो अपने लिए जहन्नुम के। फाइनली इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। सीजन 4 का ट्रेलर आउट है और सीजन 4 की एपिसोड 1 लाइन में लगी हुई है और कुछ ही दिनों में रिलीज कर दी जाएगी। लेकिन आज हम आपको एपिसोड 1 की सारी स्टोरी सबसे पहले बताने जा रहे हैं। बताने से पहले आपको ये भी याद दहानि कराते चलें कि अगर आप उस्मान का सीजन 4 पूरा देखना चाहते हैं तो इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले उस्मान गाजी का सीजन 4 इसी चैनल के ऊपर रिलीज किया जाएगा। चलिए अब आपको सीजन 4 की एक बेहतरीन किस्म की स्टोरी के बारे में बताते हैं। सीजन 4 की स्टोरी लाइन ट्रेलर से ही वाजे है कि उस्मान साहब एक एरिना के अंदर एंट्री मारते हैं। ये एरिना दरअसल एक खेल का एरिना था जिसके इर्द गिर्द मुख्तलिफ लोग बैठे हुए तमाशा लगा रहे थे। इसे शहनशाह आंद्रोनिकस के कहने पर स्टार्ट किया जा रहा था और ये अजीम बाज़ेंटाइन सल्तनत की एक निशानी थी जहां गुलाम और सिपाही एक दूसरे के साथ झगड़ते थे और शहनशाह खुश होता था। वो इनकी मारपीट देखकर इन्हें सराहता भी था और जो कमज़ोर हो उसे मारने का भी हुक्म दे देता था। इसीलिए इस एरिने के अंदर काफ़ी सारे लोग एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हैं। इसके बाद अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि इसी लड़ाई के दौरान जो ही ये खेल शुरू होता है तो उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ इसी एरिने में एंट्री मार देते हैं। उस्मान साहब बिल्कुल वैसे ही एंट्री मारते हैं जिस तरह उन्होंने सीजन 1 में सोफिया का किला फतह करते वक्त एंट्री की थी या अर्तुरुल गाजी ने सीजन 4 में करा चायसर फतह करते वक्त एंट्री की थी। और इस तरह से उस्मान साहब अपने अजीम तरीके में अपने खूबसूरत और जांबाज सिपाहियों के साथ यहां एंट्री करके इनके साथ लड़ाई में मशगूल हो जाते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता करके यहां के लोगों को मारने लग जाते हैं जो कि शहनशाह के कहने पर यहां जंग के अंदर मशगूल थे। न सिर्फ उस्मान साहब उनके साथ लड़ते हैं बल्कि उस्मान साहब उन्हें शिकस्त भी दे देते हैं। तकरीबन इस लड़ाई के फौरन बाद अगले सीन में आपको उस्मान साहब की टिपिकल लुक दिखाई जाएगी जिसमें वो रियली काफ़ी ज़्यादा एपिक लग रहे हैं और वो सुल्तान भी लग रहे हैं। इसके पीछे उस्मान साहब के चंद डायलॉग वगैरह लग रहे हैं और अब उस्मान साहब उसी जगह पर हैं जिधर पिछले सीजन में बारकुन ने उमर साहब को कत्ल किया था। और उस्मान साहब की लुक को आप 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। और इसके फौरन बाद अगले सीन में आपको ये दिखाया जाएगा कि उस्मान साहब जिस एक मकाम को फतह कर लेते हैं तो उधर वहां की सारी जिम्मेदारी औरहान गाजी को सौंप देते हैं। वैसे अगर आपको सच बताते चलें तो जिस उम्र में हमें घर से बाहर नहीं छोड़ते थे उस उम्र में औरहान गाजी को कराजा हिसार किला दे दिया है। वाजिवा उस्मान गाजी औरहान गाजी काबिलियत को देखकर औरहान गाजी को यहां का सरदार मुंतखब कर लेते हैं और यही वजह थी कि उस्मान साहब के बड़े बेटे औरहान गाजी बचपन से ही कायदा दाना सलाहियतों के साथ पैदा हुए थे। उनके अंदर इन्हीं काबिलियत की वजह से उस्मान साहब काफ़ी ज़्यादा भरोसा करते हुए उन्हें मुख्तलिफ जंगों में सिपहसालारी के फरीजे भी सरंजाम देने के लिए भेज दिया करते थे। यहाँ औरहान गाजी सबसे दुआ सलाम करते हैं और यहाँ औरहान गाजी के सिरे ये जिम्मेदारी आयद की जाती है और सब लोग इधर इंतहाई ज़्यादा खुश लग रहे थे। फिर औरहान गाजी यहाँ से निकल जाते हैं ताकि जाकर तख्त के ऊपर बैठ जाए। और इसके बाद उस्मान साहब को दिखाया जाता है जो कि दरअसल शाहिद के शहनशाह आंद्रोनिकस के सामने खड़े हुए हैं।
और वो शहंशाह आंद्रोनिकस के महल में है। वो कोई बात करने के लिए उनके पास गए हैं, या फिर अगर ये शहंशाह नहीं है तो ये शहंशाह का कोई एलची है, क्योंकि यहाँ उस्मान साहब जो भी कहते हैं उससे अगले सीन में दिखाया जाता है कि शहंशाह आंद्रोनिकस का एलची शहंशाह को आकर बताता है कि शहंशाह उस्मान आसानी से रुकने वाला नहीं है, वो मजीद आगे बढ़ेगा। और यही डायलॉग है जो कि हम पूरे सीजन 4 में इंशाल्लाह से सुनने जा रहे हैं। यही डायलॉग है जो कि सीजन को मजीद ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाएगा, क्योंकि उस्मान साहब क्या नए नए इकदाम करेंगे, क्या नई नई साजिशें रचाएंगे, क्या नई नई सलाहियतें सबके सामने शो करवाएंगे, ये सब कुछ ही तो सीजन 4 का मेन हिस्सा है या मेन पॉइंट है। इधर यहाँ एलची शहंशाह आंद्रोनिकस के सामने उस्मान और उसके कबीले में के बारे में चंद बातें पेश करता है, जिधर शहंशाह काफी ज्यादा हैरान होता है कि उस्मान इतना ताकतवर कब से हुआ, क्योंकि वो तो एक शुरू में चरवाहा था और अब वही चरवाहा एक सुल्तान बन चुका है जो कि अब तुर्कों की हुकूमत संभालने जा रहा है। इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाएगा कि यहाँ एक्तमर एक जगह के ऊपर खड़ा हुआ होगा। यहाँ एक्तमर के सामने से एक औरत गुजरेगी जो कि दरअसल या तो एक्तमर की होने वाली बीवी हो सकती है या तो कोई गद्दार हो सकती है, जिस पर एक्तमर को नजर रखने का कहा गया है। और ये उस्मान साहब की तरफ से एक्तमर के लिए एक फरीजा है। एक्तमर उसे देखता है और उस औरत को ये कहते हुए बताया जाता है कि आओ मैं तुम सबको घुड़सवारी सिखाती हूँ। असल घुड़सवारी होती क्या है, यानी आप लोगों को कुछ भी नहीं पता। और एक्तमर काफी ज्यादा हैरानी की नजरों से इसे देख रहा था, मगर इसकी शक्ल से यही लग रहा था कि ये कोई गद्दार है जो कि तुर्क कबीले में आई हुई है। और यहाँ ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग इस वजह से भी होने जा रहा है कि गद्दार काफी ज्यादा तादाद में तुर्क कबीले में भी आएंगे, उस्मान की सल्तनत को निशाना बनाने की कोशिश भी करेंगे और मुख्तलिफ किलों को भी टारगेट करेंगे। इसके बाद दिखाया जाता है कि एक मकाम के ऊपर वाइकिंग्स आते हैं और वो गुलामों को तबाह कर देते हैं। यही दरअसल वाइकिंग्स की मेन एंट्री थी जो कि बाइजेंटाइन के एरिना के अंदर आए थे। वाइकिंग्स का यही आखिरी ग्रोह था जो कि 1300 या 1400वीं ईस्वी तक रहा था। ये वाइकिंग्स यहाँ के लोगों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं जो कि खेल खेल रहे थे, और इन्हें यहाँ कत्ल कर देते हैं। और इसके अलावा ये सिर्फ वाइकिंग्स का रोब दिखाने के लिए था। और इसी दौरान यहाँ उस्मान साहब को भी दिखाया जाता है जो कि बाइजेंटाइनी सिपाहियों को आहिस्ता आहिस्ता मारने लग जाते हैं। उस्मान साहब काफी ज्यादा एपिक लग रहे थे। इसके बाद अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि एक औरत कोई कपड़े वगैरह पहनती है और कुछ हथियार वगैरह से अपने आप को लेस करती है, और इसके पीछे उस्मान साहब कुछ कह रहे थे। उस्मान साहब कुछ इस तरह से फरमाते हैं कि अलबत्ता हमारे दुश्मन नए हैं, उनके पास जो हथियार हैं वो भी नए हैं, लेकिन हमें भी नए तरीक़ों से अपने दुश्मन को शिकस्त देनी होगी। हम नए तरीके निकालेंगे और इनके खिलाफ लड़ेंगे। नए आने वाले दुश्मन आपको पता है ये कौन हो सकते हैं, ये तो दरअसल हमारे अपने वाइकिंग्स हैं जो कि सीजन 4 को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाएंगे और उस्मान की शख्सियत को निखार कर सामने लाएंगे। और इसके बाद यहाँ उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ मजीद ज़्यादा साजिशें वगैरह करने का भी सोच लेते हैं। और एपिसोड के ट्रेलर के आखिरी सीन में आपको ये दिखाया जाएगा कि उस्मान साहब इंतहाई ज़्यादा गुस्से में एक चाकू तो नहीं कह सकते, एक हथियार या कुल्हाड़ा वो टेबल के ऊपर मार हैं, और वाइकिंग्स के बारे में ही वो सोच रहे थे कि उन्हें किस तरीके से कुचला जाना है। और यही आपको काफी ज्यादा अमेजिंग लगेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप मजीद ज्यादा एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सीजन 4 इसी के ऊपर दिखाया जाएगा। आपसे मुलाकात करते एक नई वीडियो के साथ, इजाजत दे दें, अल्लाह हाफिज। السلام عليكم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيسے ہیں آپ سب دوست ٹھیک ہی ہوں گے آج آپ کو ہم قرآن مجید کی वो सूरत जिसको कुरान मजीद का दिल माना जाता है सूरह यासीन उसका तर्जुमा पढ़ कर सुनाएंगे। यासीन कसम कुरान हिकमत वाले की, बेशक आप रसूलों में से हैं, रास्ते पर हैं, सीधे नाजल किया हुआ गालिब रहमत वाले का
था कि आप डराएं उस कौम को कि नहीं डराएंगे उनके बाप दादा, बस वो गाफिल हैं। बेशक साबित हो गई बात अल्लाह की, उनमें रास्ते अक्सर पर, बस वो ईमान ना लाएंगे। बेशक हमने डाल दी उनकी गर्दनों में टोक, फिर वो पहुंच गए तोड़ियों तक। सौदा ऊपर को सर उठा के हुए और हमने बना दी उनके सामने एक दीवार और उनके पीछे भी एक दीवार, हमने उन्हें ढांप दिया। तो दोस्तों, अभी मैंने आपके सामने ये कुरान की, कुरान करीम की यासीन की थोड़ी कुछ आयतें पढ़ी हैं, जिनमें आपको सबक तो हासिल होना ही चाहिए कि कैसे कुरान करीम के तर्जुमे में आप गौर करें, कुरान करीम का तर्जुमा आप पढ़ें। कुल कह दीजिए, ये नबी से फरमा रहे हैं सूरह नास में ना, ए नबी जी कह दीजिए, कुल कह दीजिए, अऊज़ू ने पनाह चाहता हूँ, बि रब्बिन नास लोगों के रब की, मालिकिन नास लोगों के बादशाह की, इलाहिन नास लोगों के माबूद की, मियाँ शर वसवसिल खन्नास शर से वसवसे डालने वालों से, पीछे हट जाने वालों से शैतान के शर से, अल्लज़ी यवसवसु फी सुदूरिन नास जो वसवसा डालता है सीनों में लोगों के, जनों से मिनल जिन्नति वन्नास चाहे वो जनों में से हो या इंसानों में से हो। अगली सूरत आपके सामने पढ़ते हैं, सूरह फलक का है जी। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कह दीजिए मैं पनाह मांगता हूँ सुबह के रब की, मियाँ शर्दी मा खलक शर से उसके बाद जो उसने पैदा किया, वमियाँ शर्दी गासिकिन इज़ा वक़ब और शर से अंधेरी रात के जब वो छा जाए, वमियाँ शर्दी नफ़ाताति फ़िल उक़द और शर से और शर्क से फूंक मारने वालियों के, गिरा लगाने वालियों के, मतलब ये जो जादूगर होते हैं, बोलते हैं कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा बुखार हो गया कि उस बुखार की वजह से वो उठ भी ना पाते अपने बिस्तर, तो बस उनको ख्वाब में आया, जिब्राइल अमीन ने शायद फरमाया, ख्वाब में आया उनको किस गिरा लगाइए, फना कुएँ उधर आप जाएँ तो गिरा लगाई भी है, उधर गए आप सल्लम, उन्हें देखी गिरा लगाई थी, उन्हें जैसे गिर गंडे खोलते गए एक गण दो गण, तो उनकी सेहत ठीक होती गई, तो इसलिए कुरान में भी उनसे पनाह मांगी। उमें शर हसद इज़ा हसद और शर से हसद करने वालों के जब वो हसद करें, إِنَّا أَطْعَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَاصْطَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ سمجھے کچھ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ اس کا ترجمہ آپ کو میں پڑھ کے بتاؤں، بے شک ہم نے دی آپ کو کوثر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے بے شک ہم نے آپ کو دی کوثر، کوثر نہیں کوثر، بس آپ نماز پڑھیں اپنے رب کی اور قربانی کریں، بے شک آپ کو دشمن بے نام و نشان ہوگا۔ ربی میں نے اس سے پچھلی والی ویڈیو میں آپ کے سامنے سورہ لہب کی ایک آیت پڑھی تھی، تب بچہ تھا ابھی لہب یوں متب، تو اسی صورت ابھی میں آپ کو پوری پڑھ کے بتاؤں گا، تبت یدا ابی لہب یوں و تب، ٹوٹ جائے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو جائے، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب اس نے
काम न आया, उसके काम न आया उसका माल और जो कुछ उसने कमाया। सयस्ला नारन ज़ात लहब, अनकरीब वो दाखिल होगा आग में शोलों वाली। उम्रातु हम्मालत अल-हतब, और उसकी बीवी भी जो उठाए फिरती थी ईंधन। फीजी दिया हब्ल मिन मसद, उसकी गर्दन में रस्सी है फटी हुई। सूरह नस्र का तर्जुमा आपको पढ़ के बताते हैं। इधर जय नस्रुल्लाह वल फतह, जब आप पहुंची मदद अल्लाह की और फतह। और आयत नास यदखुलून फी दीनिल्लाह अफवाजा, और आपने देख लिया लोगों को कि वो दाखिल हो रहे हैं दीन में अल्लाह के फजल से। सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु काना तव्वाबा, बस पाकी बयान कीजिए तारीफ के साथ हमने रब की और माफ़ी मांगें, बेशक वो बड़ा तौबा कबूल करने वाला है। सूरह अल-मौआन के बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अरअयत अल्लज़ी युकद्दिबु बिद्दीन, क्या आपने देखा उसको जो जुटलाते हैं रोज़ जज़ा को। फ़ज़ालिका अल्लज़ी यदुउ अल-यतीम, जो धोखे देता है यतीम को। वला यहुज़्ज़ु अला ताआमि अल-मिस्कीन, और मोहताज को खाना खिलाने की रग़ीब देता। फ़वैलु लिल-मुस्सल्लीन, पस हलाकत है इन नमाजियों के लिए। अल्लज़ी हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाज से गाफिल हैं, जो अपनी नमाज से गाफिल हैं। अल्लज़ीन हुम युराऊन, जो लोग दिखावा करते हैं, मतलब कि जो लोग दिखावे से नमाज़ पढ़ते हैं। मस्जिद जा रहे भाई, घर में मेहमान आ गए, आज बड़ा नमाजी बन रहे जी, नमाज़ पढ़ने जाऊँगा मैं, और ये भाई जा रहे जी नमाज़ पढ़ने के लिए। और नमाज़ पढ़ने के लिए जाते अक्सर, किसी का भी कह रहा हूँ, नमाज़ पढ़ने के लिए गया भाई उधर, क्या बोलते हैं, दिखावे है उसका, अब दिल का शौक नहीं नमाज में दिखावे। जब ऐसे दिखावा करेंगे फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है उनका नमाज पढ़ने का, दिखावे से तो कुछ नहीं होता, इखलास चाहिए होता है हर काम में। बोलते हैं कि कोई काम होते हैं जिनमें काबिलियत नहीं कबूलियत होती है, काबिलियत नहीं क्या होती है कबूलियत। बंदा जितना काबिल हो और खरमस्तियाँ करे वो फिर क्या है, ज़हीन तो होगा लेकिन कबूलियत नहीं होगी अल्लाह की राह में उसकी। और एक होती है काबिलियत, बंदा वही ज़हीन हो। एक होती है कबूलियत के बस ये कबूल हो गए अल्लाह की राह में, कबूल हो गया है कबूलियत उसे कहते हैं। और वैसे भी अल्लाह ताला ने साफ साफ फरमाया है कि मैं शिर्क करने वालों को बिल्कुल नहीं बख्शूंगा। शिर्क करके जो तौबा करते हैं हाँ फिर वो बात है, लेकिन शिर्क करके क्या तौबा करें, पहले खुद अपने से कुछ और मान दे, वैसी बुत परस्ती करते। और आजकल के मुसलमान भी बहुत ज़्यादा गाफिल हैं, उनकी नमाज ही गाफिल हैं। बंदे को चाहिए कि वो नमाज पढ़े, नमाज का बहुत ज़्यादा ज़रूरी एहतमाम करे। नमाज दीन के सतूनों में से एक बड़ा सतून है, नमाज का एहतमाम करना। मा अग्ना अनु मालहू व मा कसब,
उसने काम न आया, उसके काम न आया उसका मान, और जो कुछ उसने कमाया। सयस्ला नारन ذات لهب, अनकरीब वो दाखिल होगा आग में। शलो वाली امرأته حمالة الحطب, और उसकी बीवी भी जो उठाए फिरती थी ईंधन। फीजी दिया हब्ल मिन मसद, उसकी गर्दन में रस्सी है फटी हुई। सूरह नस्र का तर्जुमा आपको पढ़ के बताते हैं। इधर जाए नस्र अल्लाह वल फतह, जब आप पहुंची मदद अल्लाह की और फतह। और आयत नास यदखुलून फी दीनिल्लाह अफवाजा, और आपने देख लिया लोगों को कि वो दाखिल हो रहे हैं दीन में अल्लाह के फजल से। सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु काना तव्वाबा, बस पाकी बयान कीजिए तारीफ के साथ हमने रब की, और माफ़ी मांगे, बेशक वो बड़ा तौबा कबूल करने वाला है। सूरत المعون के بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين, कि आपने देखा उसको जो जुटलाते हैं रोज़ जज़ा को। فذلك الذي يدعو اليتيم, जो धोखे देता है यतीम को। ولا يحض على طعام المسكين, और मोहताज को खाना खिलाने की रगीब देता। फ़वैलुल लिलमस्कलीन, पस हलाकत है इन नमाजियों के लिए। अल्लज़ीहुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाज से गाफिल हैं, जो अपनी नमाज से गाफिल हैं। अल्लज़ीनहुम युराउन, जो लोग दिखावा करते हैं, मतलब कि जो लोग दिखावे से नमाज़ पढ़ते हैं। मस्जिद जा रहे भाई, घर में मेहमान आ गए, आज बड़ा नमाजी बन रहे जी, नमाज़ पढ़ने जाऊंगा मैं, और ये भाई जा रहे जी नमाज़ पढ़ने के लिए। और नमाज़ पढ़ने के लिए जाते अक्सर, किसी का भी कह रहा हूँ, नमाज़ पढ़ने के लिए गया भाई उधर, क्या बोलते हैं, दिखावे है उसका। अब दिल का शौक नमाज में दिखावे, जब ऐसे दिखावा करेंगे फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है उनका नमाज पढ़ने का, दिखावे से तो कुछ नहीं होता, इख़लास चाहिए होता है हर काम में। बोलते हैं कि कोई काम होते हैं जिनमें काबिलियत नहीं, कबूलियत होती है, काबिलियत नहीं क्या होती है, कबूलियत। बंदा जितना काबिल हो और खरमस्तियाँ करे वो फिर क्या है, ज़हीन तो होगा लेकिन कबूलियत नहीं होगी अल्लाह की राह में उसकी। और एक होती है काबिलियत, बंदा वही ज़हीन हो। एक होती है कबूलियत के, बस ये कबूल हो गए अल्लाह की राह में, कबूल हो गया है, कबूलियत उसे कहते हैं। और वैसे भी अल्लाह ताला ने साफ साफ फरमाया है कि मैं शिर्क करने वालों को बिल्कुल नहीं बख्शूंगा। शिर्क करके जो तौबा करते हैं हाँ फिर वो बात है, लेकिन शिर्क करके क्या तौबा करे, पहले खुद अपने से कुछ और मान दे, वैसी बुत परस्ती करते। और आजकल के मुसलमान भी बहुत ज़्यादा गाफिल हैं, उनकी नमाज ही गाफिल हैं। बंदे को चाहिए कि वो नमाज पढ़े, नमाज का बहुत ज़्यादा ज़रूरी एहतमाम करे। नमाज दीन के सतूनों में से एक बड़ा सतून है। नमाज का एहतमाम करना 7 साल से ऊपर
मर्द और औरत पर फर्ज हो जाते। नबी ने फरमाया 7 साल तक बच्चे को हुक्म दो नमाज पढ़ने का। 7 साल के बाद, 7 साल की उम्र में प्यार से बोलो। तकरीबन 9 साल का हो जाए, 8 साल का, उसको डांटो अगर नमाज नहीं पढ़ता। 10 साल का हो जाए फिर भी खरनस्तियाँ करे और नमाज ना पढ़े तो उसको मारने का हुक्म भी है। तो उसको आप मारें नमाज की वजह से। नमाज की वजह से दीन इतना सख्त तो नहीं है, दीन तो सख्त नहीं है, लेकिन नमाज की वजह से अल्लाह के काम। बंदे को एक चीज़ मिली है जी, नमाज पढ़नी है। दिन में 5 नमाजें हैं, उनमें भी बंदा अगर सुस्ती करे फिर के, बंदा नौकरी के लिए जाते हलाल कमाने के लिए, सुबह जाते है कोई कार्य हो गया, मदरसे का कोई सर हो गया। अच्छा, आप ऐसे कोई मानने के जिस तरह कोई मौलवी हो गया, स्कूल में पढ़ाने जाते, इस्लामियात का पीरियड लेते, उर्दू का हो गया, तो सुबह जाते वो इस्लामियात का पीरियड लेते, वो तो उसके हलाल के लिए जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला के हाँ, बंदा गरीब से गरीब हो, एक माँ अपने बच्चे से कितना ज़्यादा प्यार और लाड करती है, उस पर जान देती है और शौक उसको पूरा करती है। अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं अपने एक बंदे से। सोच ले, एक माँ बंदे से कितना प्यार करती है, और अल्लाह ताला अपने बंदे से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं। 7 साल से ऊपर मर्द और औरत पर फ़र्ज हो जाते हैं। नबी ने फरमाया 7 साल तक बच्चे को हुक्म दो नमाज पढ़ने का। 7 साल के बाद, 7 साल की उम्र में प्यार से बोलो। तकरीबन 9 साल का हो जाए, 8 साल का, उसको डांटो अगर नमाज नहीं पढ़ता। 10 साल का हो जाए फिर भी खरनस्तियाँ करे और नमाज ना पढ़े तो उसको मारने का हुक्म भी है। तो उसको आप मारें नमाज की वजह से। नमाज की वजह से दीन इतना सख्त तो नहीं है, दीन तो सख्त नहीं है, लेकिन नमाज की वजह से अल्लाह के काम। बंदे को एक चीज़ मिली है जी, नमाज पढ़नी है। दिन में 5 नमाजें हैं, उनमें भी बंदा अगर सुस्ती करे फिर के, बंदा नौकरी के लिए जाते हलाल कमाने के लिए, सुबह जाते कोई कार्य हो गया, मदरसे का कोई सर हो गया। अच्छा, आप ऐसे कोई मानने के जिस तरह कोई मौलवी हो गया, स्कूल में पढ़ाने जाते, इस्लामियात का पीरियड लेते, उर्दू का हो गया, तो सुबह जाते वो इस्लामियात का पीरियड लेते, वो तो उसके हलाल के लिए जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला के हाँ, बंदा गरीब से गरीब हो, एक माँ अपने बच्चे से कितना ज़्यादा प्यार और लाड करती है, उस पर जान देती है और शौक उसको पूरा करती है। अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं अपने एक बंदे से। सोच ले, एक माँ बंदे से कितना प्यार करती है, और अल्लाह ताला अपने बंदे से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं। 70 माओं से ज़्यादा। आपको चाहिए कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहकाम बताए उन पर अमल करके चले, अल्लाह की बात माने और आजकल तो ज़्यादातर नमाज की तरफ, रोज़ा ज़कात ये चीज़ें। अभी सफ़र का महीना तो मेरे ख्याल से गुज़र गया, आज 27 से 30 होगी सफ़र की, या आज भी सफ़र ही होगा, कल वो अगला महीना शुरू होगा। कौन सा महीना आते मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जुमादिउल अव्वल, जुमादिउल सानी, रजब, शबान, रमज़ान। रमज़ान को भी काफ़ी महीने हैं। बोलते हैं रमज़ान का महीना बहुत ही ज़्यादा, कौन सा महीने, बरकतों वाला महीना। रमज़ान में फजूल में रोज़े भी नहीं छोड़ने चाहिए। रमज़ान में फजूल रोज़े छोड़ने वाले को बोलते हैं 3 महीने रोज़े रखने के बाद
शायद उसका कफारा अदा हो, तो जान पूछ के छोड़ दे। हाँ, कोई औरतों के उजुर होते हैं और इस तरह के बंदा बुखार ही नहीं रख सकता, वो अलग बात है, लेकिन कुछ भाई है बस, दिन को से भूख लगती है, ये सिगरेट ही है या इस तरह तरसी है कोई, उनको भूख लगती है। बोलते भाई मैं तो रोज़ा रख ही नहीं सकता। रोज़ा आपको भाई रखना होगा। इस्लाम में कितने हुए, कितनी किताबें, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद, इनमें सबसे अफजल कलाम कुरान मजीद है। ऐसा कौन सा दुनिया का मसला नहीं है जो कुरान करीम में न लिखो। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने एक से एक बात लिखी, एक से एक बात। बोलते हैं कि ये होते हैं ना दान का स्पेशलिस्ट, कान का, आंखों का, नाक का, इस तरह। उस ज़माने में अंबिया जो होते थे ना, वो दिल के स्पेशलिस्ट हुआ करते थे। कोई बोलता था भाई दिल में दर्द हो रहे, दिल में ऐसे ख्यालात आ रहे हैं, बेचैनी हो रही, उस वक़्त सब अंबिया के पास जाया करते थे। अल्लाह ताला हमें भी इस काबिल बनाया कि हम अंबिया और सहाबा के कर्म नक्श कदम पे चलने वाले बन जाए। हम अली ने।